बेंड्स, जो बेंड के जो क्रैक होते हैं, निशान होते हैं, वो रहेंगे, और उसपे स्पॉट्स रहेंगे कुछ भी ग्रास के या फिर मड के, तो वो नहीं हो पाएगा, चाहे उसको आप साफ कर देना, जितना मर्जी उसको धो लेना, उस पर निशान रह ही जाएंगे। हाय गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू द फुटबॉल क्लासरूम। तो गाइज, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, और आप लोग भी इस गलती को करते होंगे और आपको इसके लिए भुगतना ही पड़ता होगा। गाइज, मैंने भी बहुत की है और मुझे भी इसके कॉन्सिक्वेंसेज भुगतने पड़े हैं। अगर आप गाइज ऑनलाइन शूज मंगाते हैं तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इसके बारे में आपको आज बताऊंगा। तो जरूर इसको, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, ताकि आपका ये इससे आपको कोई भी फाइनेंशियल या फिर आपको पैसे का कोई भी लॉस ना हो, तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखना। गाइस, सबसे पहले मैं पॉइंट आपको बताता हूँ, आप शूज ऑर्डर करते हैं फुटबॉल के, और ऑनलाइन या फिर जैसे भी आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह से, तो आपका साइज का हमेशा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर आप फर्स्ट टाइम प्यूमा, नाइकी, एडिडास, ऐसे मतलब अपर हायर ब्रांड्स के आप शूज ऑर्डर कर रहे हैं, और आपने आज से पहले नीविया या फिर सेगा, मतलब जो थोड़े से लो प्राइस के शूज हैं, वो यूज किए हैं, तो आपको जरूर प्राइस में कंफ्यूजन होने वाला है। तो गाइज, आपको एंड तक तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कौन सा बड़ा या कौन सा छोटा होता है, बट अगर आपका कोई फ्रेंड है जो ऐसे शूज यूज कर रहा है, तो उसको आइडिया है कि अगर आपको नॉर्मल शू 8 का आ रहा है, तो आपको एडिडास, नाइकी या फिर प्यूमा, जो भी अदर ब्रांड है, उसको आपका शू कितने का आएगा। क्योंकि क्या होता है गाइज, मैं आपको बताता हूँ, आप ऑर्डर करते हो शू और आप शाम के टाइम या फिर सुबह के टाइम पे उसको पहनते हो घर पे, और आपको लगता है सही है, चलो ठीक है, फिट आ रहा है पैर में, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप उसमें उसको गेम में यूज करते हो पहन के, तो वो आपको डिस्कम्फर्ट देगा, वो आपको पेन देगा, और हो सकता है कि वो आपके पैर में फिट हो, या जब होता है ना कि अगर पैर ज्यादा टाइट है वो शू, तो आपको पैर में पेन देगा, और अगर लूज है तो आपको खेलने में मजा ही नहीं आएगा, शॉट नहीं लगेंगे आपके पास की, पावर उतनी नहीं आ पाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हो सके तो मैं बता दूंगा, वैसे कोशिश करूंगा अपने एंड से, बट आपको अपने फ्रेंड्स से रिकमेंडेशन लेना है जो एडिडास, नाइकी या फिर उस ब्रांड का शू यूज कर रहे हैं जो आप ऑर्डर करने वाले हो, ठीक है। आपको ध्यान ही रखना है कि आप जब भी कोई शू ले रहे हो, तो आपको प्रॉपर उस तरीके से उसको पहन के देखना है, जैसे आप उसको एक मैच में या फिर अपनी प्रैक्टिस में पहनेंगे, या फिर अगर आप कह लो कि आप जो आपका सॉक्स है, अगर आपका थोड़ा सा थिक या फिर थिन सॉक्स है, जो भी आपका सॉक्स टाइप ऑफ आप सॉक्स यूज करते हो, उसमें आपको पहन के देखना है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसको शाम के टाइम पहन के देखें, शाम के टाइम आपका जो प्रॉपर साइज में आप उसको पहन पाएंगे, थोड़ा सा वो सही रहता है, ठीक है, एग्जैक्ट साइज में आपको आइडिया हो जाएगा। और साथ में मैं आपको रिकमेंड करूंगा उसको आप पहन के घर पे चल के देखें, क्योंकि आपको हो सकता है कि आराम से आपने जब पहना है बिना सॉक्स के, आप चाहे उसको जैसे भी पहनते हो, आता है एक्साइटमेंट में पहन लेते हो, तो उस टाइम आपको हो सकता है लगता है कि फिट आए, बट जब आप उसको थोड़ा सा टाइम देते हो, थोड़ा सा उसको फील करते हो, तो आपको आइडिया हो जाता है अगर आपको वो पेन कर रहा है पहनने में, ठीक है, अभी स्टार्टिंग में पहनने में पेन कर रहा है। और आपका कई बार होता है कि फुट आपका वाइड रहता है, और कई प्रॉब्लम्स मुझे देखने को मिली है, वहां साइड से, यहाँ इस वाले पार्ट से पैर के छोटी वाली उंगली की तरफ से पेन कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप सोचते हो कि वो मुझे थोड़ा सा पहनने के बाद खुल जाएगा, बट नहीं गाइस, अगर आपके फिंगर्स कंजेस्टेड फील कर रहे हैं, आपका फिंगर्स ऐसे बेंड हो रहा है, अंदर को थोड़ा सा बेंड हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम देने वाला है आपको। और उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उसको आप ग्राउंड में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप उसमें पैनिक करने लगते हो कि यार मैंने ये छोटे साइज का ऑर्डर कर लिया है, और अब ये मैं रिप्लेसमेंट करूंगा, होगा नहीं होगा। तो गाइस, मैं आपको क्लियरली बता दूं, जो आपके एग्जीक्यूटिव रिटर्न के लिए आते हैं, तो वो प्रॉपर एक एक तरीके से आपके फुटबॉल शू को चेक करेंगे, या फिर कोई भी शू को चेक करेंगे कि आप उसमें अगर साइज का इशू डाल रहे हो और वो यूज कर लिया है आपने, तो वो चेक करेंगे उसमें कुछ स्टेन्स तो नहीं है, नीचे से वो घिसा तो नहीं हुआ, तो वहां पर वो नहीं लेंगे गाइस। फोटोज वगैरह वो अपलोड करके चेक करते हैं, और वहां पर जो उनके सेलर होते हैं वहां से कन्फर्म होता है, तो वो नहीं लेंगे उस केस में। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका साइज का इशू है भी, तो आपको मतलब उसको यूज नहीं करना है, घर पे थोड़ा सा आप पहन के देख सकते हो, आपको ग्राउंड पे नहीं यूज करना है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैंने ये छोटा साइज ले लिया, एक बार उसको पहनूंगा, दो बार पहनूंगा तो खुल जाएगा, नहीं खुलेगा तो वापस कर दूंगा। गाइस, ऐसा नहीं होता है, आपको प्रॉपर इसको घर पे एक बार टेस्ट करके देखना है, अगर आपको पेन हो रहा है, आपको डाउट है, तो आप उसको वापस कर दीजिए, एक बड़ा साइज मंगा लीजिए उसको रिप्लेसमेंट में, वो आपका हो जाएगा। बट नीचे से अगर आपका वो घिसा हुआ है, उस पर बेंड्स, जो बेंड के जो क्रैक होते हैं, निशान होते हैं, वो रहेंगे, और उसपे स्पॉट्स रहेंगे कुछ भी ग्रास के या फिर मड के, तो वो नहीं हो पाएगा, चाहे उसको आप साफ कर लेना, जितना मर्जी उसको धो लेना, उस पर निशान रह ही जाएंगे, नए वाली वो नहीं आएगी और उसको ट्रैक हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको मैं अपनी तरफ से रिकमेंडेशन ही देता हूँ, क्योंकि एडिडास का मैं यूज करता आ रहा हूँ, तो अगर आपको कोई भी नॉर्मल शू, स्टार इम्पैक्ट, निविया वगैरह आपको 7 नंबर का आ रहा है, तो आप
जो एडिडास में अपग्रेड कर रहे हैं, तो एक साइज बड़ा लेंगे, क्योंकि वो साइज एक या दो साइज भी बड़ा ले सकते हो आप। क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस की है, जो मेरा 7 नंबर का, अगर मेरा निविया का आ रहा था और मैंने स्टार्ट 7 नंबर का जब एडिडास का ऑर्डर किया, तो गाइस वो बहुत ही छोटा है यार। मतलब जो मेरे फ्रेंड को 5 या 6 आ रहा था उसको वो फिट आ रहा था, तो आप समझ सकते हो कि कितना साइज का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो आपको इसी ध्यान रखनी है। ठीक है, और नेक्स्ट चीज है उसका उपाय, अगर आपने जो शू यूज कर लिया है, ठीक है, अगर आपने शू यूज कर लिया है फिर भी आपको साइज लग रहा है छोटा है, तो उस केस में क्या करना है वो जानना है, तो वीडियो को आप लाइक करना। इस वीडियो में अगर मुझे 500 लाइक्स मिल जाते हैं तो मैं वो वाला वीडियो बनाऊंगा। कमेंट में अगर आप मुझे डिमांड करोगे तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपका शू साइज में छोटा है और आपने यूज कर लिया तब भी इस केस में उसको रिप्लेस कैसे करें। ठीक है, बट उसके लिए आपको इसमें सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा है वो वीडियो, समझ रहे हो आप, थोड़ा सा हटके है। तो वीडियो को आप लाइक करो, सपोर्ट करो, शेयर करो। ठीक है, और मिलते हैं किसी और वीडियो में गाइस। पीस आउट।